इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 0x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम डेल्टा फाइंड करते हैं, ठीक है। x होता है हमारे पास डेल्टा अपॉन डेल x के इक्वल, y होता है, सॉरी जो x होता है हमारे पास वो होता है डेल्टा ऑफ x अपॉन डेल्टा, y होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z होता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा। डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। x मतलब अगर हम जो x का वेरिएबल की जगह में कॉन्स्टेंट्स रिप्लेस करते हैं, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो डेल्टा x है। सिमिलरली y की कोएफिशिएंट की जगह कॉन्स्टेंट्स रिप्लेस करते तो डेल्टा y, और z के कोएफिशिएंट की जगह रिप्लेस करते तो डेल्टा z। तो अगर डेल्टा की वैल्यू देखते हैं तो ये होगा हमारे पास 2 1 0 1 2 3 1 1 5 इज के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 10 − 3 −1 × −5 − 0 + 1 × 3 + 0, ये वैल्यू हो गई। दैट मीन्स 2 × 13 − 1 × −5 + 1 × 3, तो ये 26 + 5 + 3, ये वैल्यू हो गई, दैट इज 31 + 3, तो ये 34 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो ये हमारे पास होगा x के कोएफिशिएंट की जगह कॉन्स्टेंट रिप्लेस करना, तो 1 3/2 9, 1 − 2 3 1 − 1 − 5, तो सिंप्लीफाई करते तो 1 × 10 − 3 तो +3 −1 × −15/2 +9 + 1 × 3 × 3 9/2 +9 × 2 18 हो गया, दैट इज 13 − 1 −15 + 18, तो 3/2 आ जाएगा, +1 × 36 + 9, दैट इज 45/2, ये वैल्यू हो गई। तो ये हो जाएगा 13 − 3/2 +45/2, दैट इज 13 + 42/2, तो ये हो जाएगा 13 + 21, तो ये हमारे पास आ गया 34 के इक्वल, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब हम डेल्टा वाई फाइंड करते हैं, तो ये होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0, ठीक है। अब y की जगह हमें रिप्लेस करना है कॉन्स्टेंट से, तो 1 3/2 9, 1 − 1 − 5, तो ये हो जाएगा 2 × −15/2 +9 −1 × −5 − 0 +1 × 9 − 0, तो ये होगा 2 × 18 − 15, दैट इज 3/2 +5 + 9, तो ये होगा हमारे पास 3 + 5 + 9, दैट इज इक्वल टू 17, तो ये डेल्टा वाई आ गया। अब डेल्टा जेड देखे तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0, वाई के टर्म्स एज इट इज रहेंगे 1 − 2 और 3, और यहाँ पे रिप्लेस होगा 1 3/2 और 9 से, तो ये होगा 2 × −18 −3 × 3 9/2 −1 × 9 − 0 +1 × 3 − 0, तो ये हो जाएगा 2 × −36 − 9, दैट इज −45/2 −9 + 3, तो ये हो जाएगा −45 − 6, दैट इज −51 के इक्वल, ये वैल्यू हो गई। अब हम अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, दैट इज इक्वल टू 1, y है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, दैट इज इक्वल टू 1/2, और z है डेल्टा z अपॉन डेल्टा, तो इसको अगर 3 से अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 times ये 3 times, तो ये होगा −3/2, तो हमारी वैल्यू है x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू −3/2, सो दिस इज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z एंड आर आंसर।